एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज की रेसिपी काफी हेल्दी और टेस्टी है, जिसे व्रत के साथ साथ बिना व्रत के भी खाना पसंद करेंगे। तो फटाफट से बनने वाली साबुदाना की चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे, साबुदाना की खिचड़ी की, जिसमें एक एक दाना खिला खिला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मोतियों की तरह अच्छी तरीके से पका है पर आपस में चिपका नहीं है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके। तो साबुदाना की खिचड़ी को बनाने के लिए एक कटोरी साबुदाना लिया है मैंने, ये मीडियम साइज़ का साबुदाना है। एक बड़े से बोल में साबुदाना को डालें और इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। 3 से 4 बार पानी बदलते हुए इसी तरीके से रब करते हुए वॉश किया है मैंने। धोने से ऐसे स्टार्च जैसा निकलता है, जिसे फेंक देना है। 3 से 4 बार धोने के बाद सारा पानी निकालें और जिस कटोरी से साबुदाना नापा था उसी कटोरी से आधा कटोरी से ज़रा सा ज़्यादा पानी डालें। जितना साबुदाना है बस भीग जाना चाहिए और इससे आधा इंच के करीब पानी ऊपर रहना चाहिए, बस इतना ही। अब ढककर कम से कम 4 से 5 घंटे या तो रात भर के लिए भिगो कर रखें। इसी मेजरमेंट के अनुसार पानी डालेंगे तो साबुदाना फूलने के बाद पानी बिल्कुल नहीं बचेगा और ऐसे ही खिला खिला साबुदाना फूलेगा। अगर गलती से आपसे पानी ज़्यादा डल गया हो तो ऐसी जाली में रखकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरीके से प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं, साबुदाना अंदर से दाने की तरह नहीं दिख रहा, अच्छे से फूल चुका है। अब खिचड़ी बनाने की तैयारी करें। इसके लिए एक कढ़ाई को आंच पर चढ़ाएं। इसमें देसी घी या तो रिफाइंड ऑयल अपनी पसंद के अनुसार डालकर मूंगफली को फ्राई कर लें। धीमी आंच पर लगातार से चलाते हुए चटकने और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। मूंगफली का कलर हल्का चेंज हो चुका है, ये परफेक्टली रेडी है तो निकाल लें। इससे ज़्यादा फ्राई करने पर ये कड़वा हो सकता है। अब साबुत जीरा डालकर चटकने दें। 2 से 3 चम्मच छोटी चम्मच से तेल डाला है मैंने, ज़्यादा तेल में ये अच्छा नहीं लगता है। बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक अपनी पसंद के अनुसार डालें। इसमें से जो भी इंग्रेडिएंट्स आप व्रत में यूज ना करते हो अवॉइड कर सकते हैं। उबले हुए आलू को छीलकर छोटे पीसेस में कट किया है मैंने, इसे डाल दें। यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उसे थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाना होगा। बहुत ही फटाफट से बन जाती है ये साबुदाना की खिचड़ी। बस साबुदाना को पहले से भिगो कर रखें। आलू पर एक हल्का क्रस्ट आ गया है तो टमाटर को कट करके डालें। यहाँ पर टमाटर के बीज और गूदे को नहीं डाला है मैंने, जिससे ये ज़्यादा पल्पी नहीं होगा। मैश ना करें अच्छी तरीके से, बल्कि 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई करने के बाद साबुदाना को डाल दें। साथ में डालें काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक डाला है मैंने। अगर व्रत के बिना बना रहे हो तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मूंगफली यानी कि पीनट है, इसे ड्राई रोस्ट करके छिलका निकाला और ऐसे दरदरा कूट लिया है मैंने। इससे साबुदाना का स्वाद काफी बढ़ जाता है। अगर ना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मूंगफली तो डालेंगे ही इसमें। इसे चटपटा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच चीनी डालें और करी पत्ता मैं तड़के में डालना भूल गई थी तो यहीं पर डाल रही हूँ। साथ में आधा नींबू का रस डाला है, इससे ये काफी चटपटा होगा और एक दूसरे से चिपकेगा भी नहीं। वैसे भी ये काफी खिला खिला बना है, बिल्कुल अलग है, कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा और आपस में भी देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा हो रहा है, यानी पक कर अच्छे से तैयार होने ही वाला है। अधिकतर दाने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, बस कुछ दाने वाइट दिख रहे हैं। इसी स्टेज पर लिड लगाकर धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद लिड हटाकर चेक कर लें। बारीक कटी धनिया पत्ती डालें और आंच बंद कर दें। साबुदाना परफेक्टली रेडी हो चुका है, चटपटा है और फटाफट से बन चुका है, नीचे कढ़ाई में चिपका भी नहीं है। फ्राई की हुई मूंगफली के दाने डालें। बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करेंगे और साबुदाना को भिगोने में पानी के मेजरमेंट का ध्यान देंगे तो ऐसे ही खिला खिला साबुदाना आपका भी रेडी होगा। बारीक कटी धनिया पत्ती, लेमन के स्लाइसेस, हरी मिर्च
और पसंद के अनुसार अनार के दानों से गार्निश कर सकते हैं और गर्मा गर्म अपने व्रत के भोजन को एंजॉय करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस जरूर से शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर लें।